पढ़ना चाहिए। झगड़ा इसका है, नाम का नहीं है सर। जाति का फिनोमिना नाम पे काम नहीं करता, उसके लेने और देने पे काम करता। वही बात यहां पहले बताई थी कि जाति जब देना होता है, कुछ मिलना होता है, तो अधिकार मिलने होते तो जाति आ जाती है, और जब हमसे कुछ जाना होता है तो जाति नहीं आती। हमारी बहन बेटियों के जो बलात्कार होते हैं, अपनी जीभ से चाटते हैं वो उनकी खाल को, अपनी जीभ से, और जीभ से चाट चाट के और काट काट के करते हैं, तब उनको नहीं दिखाई देता कि एक अनटचेबल है या क्या होता है, इसकी जाति छोटी है या बड़ी है, या ये महिला कौन सी है कौन सी है, उस समय नहीं दिखाई देता, उस समय जाति चली जाती है। पर वही लड़की जब न्याय मांगती है न्यायालय के अंदर, और जब वो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो उसकी जाति आ जाती है, फिर उसकी जाति दिखाई देती है। ये बड़े कड़वे चीजें हैं, मैं तो बहुत कम बताता हूँ आपको, पर आप ये दाएं बाएं घूमना बंद करो। अब तो एक ही चीज है बस, हमको इकट्ठा होना है, जाति पाति कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकट्ठे होने वाले लोगों की हर चीज बढ़िया हो जाती है, और बिखरे हुए जो लोग होते हैं उनकी हर चीज घटिया हो जाती है। ये फिलॉसफी है और ये नियम है जो प्रकृति का है, इस पर बढ़ना है आगे। जी सर, बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट ले ले सर, नेक्स्ट है। बहुत बहुत साधुवाद सुधीरा सूरा मेरे मज पमान डठण बिर मन सिखा पदिंग समाधियानी। अब एक जो यहाँ बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट तो कई साथियों ने बता दिया है, एक बड़े कमाल की बात है कि जब इंदर मेघवाल की हत्या हुई तो कई जगह जुलूस निकले, और एक जुलूस पे मैंने कुछ लोग जो जानकार लोग थे उनके हाथ में बोर्ड देखा, और वो बोर्ड में लिखा हुआ है जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि खत्म नहीं होती, जाति ऐसी जाति वैसी, वो जाति के बारे में बड़ा गुणगान कर रहे थे और जाति के बारे में नतमस्तक हो रहे थे कि जाति कभी जाती नहीं, जबकि हजार बार बताया पर सुने कौन, वीडियो कौन सुने कौन देखे। लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन है कि जाति है कि जाति नहीं। तो आज यहाँ हम एक ओपन चर्चा करेंगे, और हर आदमी हर व्यक्ति ये बताएगा कि जाति का सिस्टम कैसे है कैसे नहीं है। आधा घंटा एक घंटा इसमें लगेगा, क्योंकि जाति कभी जाती है कभी नहीं जाती है। कुछ बातें मैं बताऊंगा, फिर आप लोग इसमें एक एक करके हैंडेज करके बताएंगे कि कब जाति चली गई और कब जाति आ गई। जाति परमानेंट नहीं है किसी की, जाति मौका देख के आ जाती है, जाति मौका देख के चली जाती है। जब आपके कोई अधिकार मिलना हो तो जाति आ जाती है, और जब आपका अधिकार जाना हो तो फिर वो जाति नहीं रहती है। यानी कि जब भी आपसे कुछ छिनेगा तो जाति कोई नहीं मानता, जाति को नहीं मानते लोग, और जब आपको कुछ देना पड़े, कुछ अधिकार आपका हो, कुछ आपको मिलना हो, तब लोग जाति लेके आ जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ बोलूंगा आप मनन करना, फिर मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके बताना। तो जाति का जो जो झूठा जाल है, जाति कहाँ जाती है? आप होटल में बैठोगे, खाना खाओगे, रूम लोगे, किराया दोगे उसका, तो कोई आपकी जाति नहीं पूछता। आप दुकान पे जाओगे, दुकान पे जाके माल खरीदोगे, कितना ही माल खरीदो, कभी आपसे दुकानदार आपकी जाति नहीं पूछेगा। आप सिनेमा हॉल में जाओगे, टिकट लोगे, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। आप वैशाल्य जाओगे, वैशा खरीदोगे, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। आप अगर किससे प्यार करते हो, आपको प्यार हो गया, तो दो लोग प्यार में, तीन लोग प्यार में, चार लोग प्यार में होते हैं, वहां कोई जाति नहीं पूछता। दुश्मनी हो जाए एक दूसरे से, तो वहां भी जाति नहीं पूछते। अगर भूख लगे आपको, तो भूख भी कोई जाति नहीं पूछती, उस समय खाना चाहिए कहीं से भी चाहिए। आप अगर मजबूर हैं, कहीं फंस गए हैं, तो मजबूरी में निकालने के लिए कोई मिल जाए आपको, फिर जाति नहीं चलती। आप अगर कमजोर हैं, आपको मदद चाहिए, आपको मेड चाहिए, आया चाहिए, ड्राइवर चाहिए, नर्स चाहिए, आपको वार्ड बॉय चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तो वहाँ कोई जाति नहीं पूछता। आपको अगर मसाज करानी है, नाई के पास जाना है, मजदूरी करनी है या मिस्त्री के पास जाना है, तो कोई जाति नहीं पूछता। आप बस में जा रहे हैं, रेल में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कोई जाति नहीं पूछता, वहाँ कोई जाति नहीं चलती, वहाँ जाति खत्म हो जाती है। तो जाति कहाँ आ जाती है? जब आप मंदिर में जाते हैं तो जाति आ जाती है, पूजा पाठ में जाते हैं तो जाति आ जाती है, स्कूल में जाते हैं तो जाति आ जाती है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाति आ जाती है, सरकारी नौकरी में जाते हैं तो जाति आ जाती है, मंत्री मंत्रालय सरकार में जाते हैं तो जाति आ जाती है, अगर आप चुनाव में जाते हैं तो जाति आ जाती है, वहां तो जाति का पूरा खेल चलता है। किराए का मकान लेने जाएंगे तो जाति चलेगी, प्यार करेंगे तो जाति नहीं है, पर शादी करेंगे तो जाति आ जाएगी। अगर आप व्यापार में खरीदेंगे सामान तो जाति नहीं है, पर आप व्यापार करेंगे तो जाति आ जाएगी। यानी कि जब भी आपको कुछ मिलना होगा तो जाति आ जाएगी, जाति है, और जब आपसे कुछ जाना होगा, छिनेगा, जब आप दोगे किसी को कुछ,
तब कोई जाति नहीं होती, तब जाति बराबर होती है। तो आप सब ये बताइए मुझे अपने अपने एक्सपीरियंस से, एक एक करके हाथ उठा के, कि कब आपके हिसाब से आपने जीवन में जाति देखी आई और कब देखी कि जाति चली गई। यानी जाति जो है वो मौका देखती है, जाति ये देखती है कि क्या इसको मिलने वाला है। जैसे ही आप कुछ मिलने वाला होगा वहां जाति खड़ी हो जाएगी, और जैसे ही आपसे कुछ मिलने वाला हो, छिलने वाला होगा आपका, वहां जाति गायब हो जाती है। इसका मतलब जाति का जो खेल है वो लेन देन का है, जाति वैसे नहीं है। तो यहाँ हैंड रेज करके आप मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कि कब आपको लगता है कि जाति है और कब आपको लगता है कि जाति नहीं है। जैसे अजय जलवान जी अमेरिका में हैं, अब वहां जाति नहीं है, पर अजय जलवान जी जो सर हैं वहां अगर कोई इंडिया का मिल जाए तो जाति आ जाती है, फिर वहां जाति हो जाता है, या अपॉर्चुनिटी हो जाए तो जाति आ जाती है। वैसे ही जो जाति है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थान पे मौका देख के आती है, मौका देख के जाती है। पर हर केस में जब भी आपसे कुछ लेना होगा जाति गायब, और जब आपको कुछ देना होगा, कुछ अधिकार देना होगा, जैसे न्यायालय है, वकील आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, उसको पैसा चाहिए, पर जैसे ही आपको न्याय मिलने की बात आएगी तो आपकी जाति आ जाएगी, तो आपको वहां जाति के हिसाब से न्याय मिलेगा। ये कमाल है जाति का। इसलिए सब लोग एक एक करके हैंड रेज करके बताएं कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, कि जाति कब आती है, कब जाती है, ताकि आप लोगों को बता सकें, अरे भाई जाति है कि जाति भी है और आती भी है, ये देखो कि क्या लेके जाती है और क्या लेके आती है। ये खेल बड़ा अजीब है, इस खेल को अगर आप समझ जाओगे तो फिर जाति जाति नहीं रहेगी, फिर आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि हम जाति का अभ्यास यहाँ क्यों नहीं करने देते। तो बताएं कोई हैंड रेज करके अपना अपना एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा सा, कि कब जब उनका पैसा छिना, कब साहूकार ने पैसा लिया, बैंक वाले जब ब्याज लेते हैं तो वो नोटों को गिनते हैं, तो कोई और आप भी थूक लगा के गिनते हैं और वो भी थूक लगा गिनता है, और दोनों का थूक मिलता है, पहले आप थूक लगा के गिनते हो, फिर वो अपने मुंह से थूक लगा गिनता है, तो आपका थूक अपने मुंह में लेता है, तब जाति नहीं होती है। जब आप क्या बोलते हैं, कहीं जाते हो, एक ही लिफ्ट में चढ़ते हो, तो उस लिफ्ट में सभी सांस लेते हैं, उसमें कोई जाति नहीं पूछता, पर जैसे ही अपनी सीट पर जाके आप बैठते हो दफ्तर में, तो वहां जाति आ जाती है, जबकि वो खुला रूम होता है। बंद बंद लिफ्ट में 3x3 फुट की लिफ्ट में 20 आदमी होते हैं, उसमें जाति नहीं आती, पर जैसे ही अलग अलग जाते हैं वहां जाति आ जाती है। सिनेमा हॉल में सारे बैठे सांस छोड़ते रहते हैं, दूसरे को पीते रहते हैं, कोई जाति नहीं आती। सारा काम जितना बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो जो जाति वाली महिला वो छूती है, मगर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो वही उसको कहता है कि तू छोटी जाति की बड़ी जाति की। बच्चा पैदा हुआ नर्स की जाति कोई कोई नहीं पूछता, पर बड़ा जैसे हुआ तो नर्स की जाति पूछने लगते हैं। तो बताएं बी आर साम्राज्य बताएं सर, बोलिए सर। संगम नमामि सर। सर आपने बहुत बढ़िया दिया प्रवचन। सर मैं अगले लास्ट आवाज आती है ना सर? खूब आ रही है सर, बताएं। सर एक डेढ़ महीने के पहले मुझे एक मकान लेना था, भावनगर गुजरात से सर मैं बोल रहा हूँ, और मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में तहसीलदार हूँ। तो अच्छा। हाँ तो मैंने सर मकान लेने के लिए भावनगर में कई जगहों पे मैंने सोचा कि चलो ना कोई बढ़िया सोसाइटी में मकान ले लेते हैं, मेरे को 7 साल रिटायरमेंट में बाकी है, तो और एक ही लड़की है, तो इनके लिए कुछ उनको गिफ्ट दी जाए। तो सभी जगह पे जब सब तय होता है, लास्ट में कास्ट की बात आती है, जब कास्ट की बात करते हैं तो सॉरी कह देते हैं। मतलब ये है कि आपके पास मोहर लगाने आए, जब आपके पास आते हैं तो सब सलाम ठोकते हैं, वहां जाति सलाम करते हैं, नहीं है। और ऐसा ही सर आप मकान मिलने के तो वहां जाति आ गई। सर ऐसा ही मैं जब आर्म्स लाइसेंस के डिपार्टमेंट में था, तो मेरे पास भावनगर के बड़े बड़े डायमंड के व्यापारी सब मुझे अपने पास बुलाते थे, पार्टियां देते थे, सब करते थे, तब कुछ जाति नहीं। दिखाते थे सर, तब जाते की कोई वो नहीं थी। अब जब रहने के लिए मकान लेने के लिए जाते हैं तो ये आ जाते है। इस तरह सर्विस में भी ऐसा ही सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बताए भरत लाल जी, बताए सर। सर संगम नमामि। संगम सर, जब मैं पढ़ता था खास करके प्राइमरी सेशन में, तो वहां पर यह रहता था कि पढ़ने में मैं सबसे तेज था, अच्छा था,
तो मेरी जाति कोई नहीं पूछता, मैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ, जाति चमार है, तो कोई नहीं पूछता था। जबकि अपने ही कम्युनिटी के और जो बच्चे रहते थे उनको लोग तरह तरह के, मतलब ये कि अरे तुम क्यों पढ़ रहा है, तुमको तो मजदूरी करना है, तुमको तो मेरे यहाँ हलवाही करना है, तुमको ये करना है, वो है। मेरे साथ कभी ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज था तो मेरे पास हर किसी को पूछने आना पड़ता था, जो भी किसी का भी गलत होता था मतलब तो टीचर के पास जाने के बजाय कि लोगों को काम पड़ता था आपसे सवाल वाल पूछते, इसलिए वो आपसे जिक्र नहीं करते थे। पर मेरे से कभी जाति नहीं पूछते, जानते थे सब, लेकिन औरों को जो है वो बाकायदे जो है कि अरे तुम क्या पढ़ के क्या करेगा, तुमको तो मेरे घर में ही मतलब मजदूरी करना है। मतलब ये बात हो गई ना कि आपसे आपसे लेना आपसे ज्ञान लेना था, इसलिए आपकी जाति खत्म। जी जी, और जिनके पास ज्ञान नहीं था उनकी जाति बनी रही। जी, तो ये चीजें वही है, सही है बिल्कुल। एक बार ऐसी मैं ऑटो में जर्नी कर रहा था तो एक सज्जन जो है, बातचीत चल रही थी, तो काफी देर बात करने के बाद उनके दिमाग में आया, पूछने लगे आपका नाम क्या है, तो कहाँ के रहने वाले हो, तो मैंने अपने गांव का नाम बताया, तो बोले नाम क्या है आपका, तो मैंने सीधे यही इतना बोला भरतलाल, तो बोले आगे पीछे, मैं बोला आगे पीछे कुछ नहीं, तो बोले नहीं कुछ भी, मैं बोला कुछ नहीं भाई, फिर भी कुछ, मैं बोला कुछ नहीं, फिर बोलते हैं कि नहीं तो फिर आपकी जाति क्या है, तो मैंने सीधे जब बोला चमार, तो बाकी लोग जो और थे गाड़ी में वो बोले कि लीजिए यही सुनना चाहते थे, हो गया आपका, अब और कुछ चाहिए, इसके आगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब आप निर्भीकता के साथ जब बोलेंगे तो अगले का मुंह बंद हो जाता है। नहीं, अगले का मुंह बंद नहीं होता। अभी एक तारीख जो अगली आएगी अक्टूबर, उसमें एक एजेंडा और लेके आने की कोशिश करेंगे कि नाम से पहले हम सब लोग समणा समणी लगाएं, और यहाँ भी जितने हमारे साथी हैं 232 हैं, वो अपने नाम से पहले समणा समणी लिखें। हमारी जो पहचान है वो समण की है। आप सामने वाले से वो जब पूछे कि आगे पीछे क्या कह रहे हैं, भी आगे भी समण है और पीछे भी समण है, तू बता तू कौन है भाई, तो दो लाइन जब खिंचेंगी तो आपकी संख्या ज्यादा है, फिर आप जीत जाओगे, क्योंकि जिसका बहुमत होता है उसका नाम चलता है। तो यही जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया सर, यही है कि जब आपकी जरूरत होगी तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं पूछेगा, लेकिन जब आपकी जरूरत नहीं होगी या आप किसी इसमें होंगे तो आपकी ये जरूर पूछी जाती है। हाँ नहीं, थोड़े समय बाद हम पूछेंगे कि भाई तुम बताओ कौन है कौन नहीं, क्योंकि जैसे अगर हम ये व्यापार का या लेन देन का जैसे जैसे मजबूती तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे फिर हम पूछेंगे भाई तुम कौन हो, याचक हो या क्या बोलते हैं देने वाले, देवता हो या याचक हो, वो तो याचक है सारे, तो हम पूछेंगे। अभी समय आने दीजिए, पर आप अपनी आइडेंटिटी बदल दीजिए, अब अपने समणा समणी कर लीजिए आप। अब आप समण भरतलाल बताइए कि आगे भी समण है और पीछे भी समण है, उसको पता ही नहीं, वो अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मैं बमण समण, तो बस में सारे लोग आपके मिलेंगे समण, जो जो बमण नहीं है वो समण मिलेगा। आज के एंकर कौन है, एंकर कौन है, हैंड रेज बहुत सारे हैं। भरतलाल सर अपना नंबर छोड़ दें थर्ड बॉक्स में। एंकर कौन है सर आज के, सर अब तो आप ही हो सर, सर आप चलाओ, क्या मतलब प्रयास से चलाओ, मैंने तो ये चर्चा तो आपने करानी है फिर। चलिए ठीक है, हाँ मनोज कुमार सर बताए। हाँ मनोज कुमार सर बोलिए। बोलिए सर, बिंदास हो गए, बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध बोल रहा हूँ, और आपने आज नियम तोड़ दिया है कि आप जाति के ऊपर बड़ी खुली चर्चा करा रहे हैं, ये आपकी दरिया दिली है। वैसे समाज संघ के जाति तोड़ा है, आप गलत कह रहे हो, हम जाति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम जो मेघवाल की मौत पे जो जानकार लोग ने ये कहा है कि जाति जाति नहीं है, उनको ये बता रहे हैं कि भैया ये हिसाब से आती है, हिसाब से जाती है, इसको समझो बात को, ये अपने दिमाग में जो प्रसन्न बना रखा है और दिमाग में जो तुमने ये जड़ जमा ली है कि ये जाति नहीं है कभी, ये हम इस बेवकूफी से परेशान है, तो हम तो आपको हजार उदाहरण देके ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा है तो ये चली जाएगी, पर जब पैसा खत्म हो जाए तो फिर आ जाएगी। आप अगर तहसीलदार हो, जब लाइसेंस बनाओगे तो ये चली जाती है, पर जैसे ही मकान लेने जाओगे तो आ जाती है, ये आपको बता रहे हैं हम लोग। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब कुछ लेना हो तो जाति नहीं है, जब आपको कुछ देना हो तो जाति है, जब आपसे कुछ भी लेना हो, आपसे कुछ लाभ लेना है तो जो जाति नहीं आड़े आती है, और जब आपको कुछ लाभ देना हो तो जाति आड़े आ जाती है। तो ये एक बदमाश जो लोग हैं उनका एक हथियार है,
और ये मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि जाति जो है एक दुधारू तलवार है और इसको चलाने वाला हथियार चलाने वाला भी एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये एक हथियार ही है कि जब यदि हम जाति का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे लोग हमको रोकने के लिए आ जाते हैं कि ये हथियार तो हमारे लिए बना हुआ है, ये आपके लिए नहीं बना हुआ, आप इसका इस्तेमाल। कांशीराम, देखो कांशीराम जी अगर सही होते अपने स्टेटमेंट में तो आज हमारी हालत ये नहीं होती जो आज है। आप एक बात को समझो, देखो कोई अगर महापुरुष है तो उसने जो काम किया है अच्छा काम किया, जहां तक किया है तो अच्छा परिणाम बताना चाहिए। पर महापुरुष की इस बात के लिए कि वो हमारे महापुरुष हैं तो उनके रिजल्ट भी ना आए तो भी हम ये कहते रहे कि अच्छा काम है तो नहीं है। आज हमारा जो विनाश हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उनके हथियार का इस्तेमाल किया है। जाति उनका हथियार है, हमेशा फायदा उनको होगा। ये दुधारी नहीं है, ये एक धार की है। अगर ये दुधारी होती तो तहसीलदार साहब को मकान मिलता, फायदा होता। ये दुधारी नहीं है। और आप जाति के रूप में इकट्ठे हुए, आपने जाति के रूप में सरकार बनाई तो उन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया, आपको खत्म कर दिया। आप अगर 16% चमार हो तो बैठे रहो अपने घर में, 16% से कोई सत्ता नहीं बनती। आपको जाति के नाम पर आइसोलेट कर दिया, यादवों को जाति के नाम पर आइसोलेट कर दिया, यादवों को अलग लड़ा दिया, चमारों को अलग लड़ा दिया, जाति से तो मामला खत्म हो गया। आप जिंदगी भर जाति पे आप जीत नहीं सकते क्योंकि जाति उनका हथियार है। वो ऐसी बंदूक है कि जब भी गोली चलेगी उनको फायदा देगी, आपको नुकसान देगी। आपको लगता है कि थोड़ा बहुत फायदा आपको हुआ है, इसके परिणाम आ चुके हैं, 70 साल में एनालिसिस है। आप 70 साल का एनालिसिस करके देख लीजिए और बता दीजिए हमें कि जाति के कितने फायदे हुए कितने नुकसान हुए। उत्तर प्रदेश में जो डिमोशन हुई है और उत्तर प्रदेश में जो लोग परेशान हैं उनको इतना फायदा नहीं हुआ जाति से जितना जाति के नाम से नुकसान हुआ है। और प्रताड़ित हुए उनके डिमोशन हो गए वहां सिर्फ जाति के नाम से, और 2 लोगों के हुए हैं सिर्फ, यादवों के और चमारों के हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट आप जो दे रहे हो ये ठीक है, आप आपका प्यार उनसे रहा होगा पर स्थिति कुछ और कह रही है। जो जो आंकड़े हैं, सर मैं एक बात बोलूं, नेक्स्ट 100 दीजिए सर, एक एक बात बोलूं जी, या फिर रेज हैंड से ले लो, मैं बाद में बोलूंगा। नहीं आप बोल दीजिए सर, बीच में आए तो बोल दीजिए। सर मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा कि जाति एक नोशन है, ये मन की भावना है, और उन्होंने ये कहा है जैसा कि हम लोग समन संघ की अभी भूमिका बना रहे कि हम लोग बमन नहीं है, मतलब वमन नहीं है तो समन है। अगर बमन को हम लोग कहते हैं कि हम सारे समन हैं तो बमन बैकफुट पे जरूर आएगा, और सारे लोग अगर बताएंगे एससी एसटी ओबीसी बताने के बजाय अगर हम समन बताएंगे तो वो बैकफुट पे आएगा जरूर, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा कि कौन है। और अगर हमें बार बार करते जाएंगे तो हमारे मन की जो भावना है, जो जाति का नोशन है, वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। और बाद में एनिलेशन ऑफ कास्ट का बाबा साहब ने सोल्यूशन दिया है, तो जैसे जैसे हम ज्यादा चीर परिचित हो जाएंगे तो जाति फिजिकल भी मिट सकती है, इसीलिए समन बताना ये बहुत जरूरी है। समन एक बार बोल दिया कि बाकी का बताने की जरूरत नहीं, उसको पूछना उल्टा कि आप कौन हो तो वो बोलेगा कि हम समन नहीं है, तो फिर वो बमन है। ऐसे इसमें भी वो चर्चा में बैकफुट पर आ सकता है। अजय जलवान जी ने बीच में हैंड रेज किया है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके मन में कुछ आया। जलवान सर बोलिए। थैंक यू सर मेरे को लेने के लिए। सर मेरे को अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें ये लोकतंत्र बचाओ आंदोलन, ये भाई साहब आए राकेश कुमार बौद्ध चमार, ये सर ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये मेरे बुआ के लड़के हैं, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये आज हमारे बीच आए। मैं अपने परिवार से खूब हाथ जोड़ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग आओ, और ये आए तो मेरे को मेरी खुशी का जो है वो लिमिट नहीं है। क्यों, ये 20 साल पहले इन्होंने जो है सबसे पहले जो है अपने नाम के आगे चमार लगाया, और उस वक्त कुछ भी नहीं था, और इनको देख के मेरे को बहुत वो मिलती है, क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। और इन्होंने जो है जाति की जहां बात कर रहे हैं तो गांव में जो है दबंगों ने किसी भाई की जमीन दबा ली जाति के नाम पे, और इन्होंने कोर्ट में केस करके वो अपने भाई की जाति वो जो है जमीन छुड़वाई जहां जाति की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब डॉक्टर हैं, इनके छोटे भाई इंजीनियर हैं, एक और छोटे भाई डॉक्टर हैं, और ये सब आप ही के पास रह रहे हैं दिल्ली में,
और आए थे, ये इनके सबसे छोटे भाई हैं, ये संगति में आए थे और ये कई बार कोटी में आते रहते हैं, पर इनके साथ में कई बार बात हुई है, फिजिकल मीटिंग भी हुई है, पर क्या है कि 20 साल से इनके अंदर ना एक संस्कृति डेवलप हो गई है, इनको ऐसा लगता है कि गले में पंसी लगा के अपनी पहचान करके और जो उनकी समझ में उस समय आया वो ये कर रहे हैं, और ये समर जो पहचान है ये हमारी इंटरनेशनल पहचान है दरअसल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनकी पहचान को सैल्यूट करते हैं कि जो उनको समझ में आया उन्होंने किया, पर वो बहुत छोटी पहचान है, उससे नुकसान ज्यादा है फायदा नहीं है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इंटरनेशनल है, तो अगर वो इस बात को समझ जाते हैं और मान लेते हैं ज्यादा फायदा होगा, वरना तो अपनी अपनी समझ है, हम तो किसी को रोकते नहीं है, जिसको जब समझ में आए करे, वो कोई समझ सर, नहीं। सर सभी भाइयों को सभी सम्मण सम्मणियों को समझ में आएगा, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, और भाई आ जाए बहुत अच्छा लगा, और इनके जो सबसे छोटे भाई हैं उनके बच्चे जो है मतलब एडमिशन ले रहे हैं सब जनरल कैटेगरी से, और अपने समाज के लिए जो है सीटें छोड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने भाव से ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है सर, इतनी बात कहनी थी। जलवान जी आप यूएस से बोल रहे हैं और आपने मेहनत करके आप यूएस पहुंचे हैं, आपने भी बगैर रिजर्वेशन के वहां पर झंडे गाड़े हैं और वहां अपने भारतीय भाइयों को का मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमेशा से उत्प्रेरित कर रहे हैं, जितना मैं नहीं जानता वी द पीपल के बारे में आप जान रहे हो, मुझे तो इस बात में खुशी है कि आप वहां जाकर के भी आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, वरना हवाई जहाज से जो चले हुए लोग हैं वो जमीन में नहीं जुड़ते हैं, और आप विदेश में रह कर के भी इतना सब कुछ वो कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवादी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी आप उम्र में कम होते हुए भी आप प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, साधुवाद जी। सभी भाई मिट्टी में खेले हैं। मनोज कुमार सर का नंबर है अगला, कुछ हैंडरेज असर। हाँ मनोज, मनोज कुमार सर बताएं, मनोज कुमार सर बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, कोई कोई युवा साथी जुड़े हैं तो वो भी बोले, क्योंकि आज युवा विशेष। कुमार सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर, मनोज कुमार सर की आवाज नहीं आ रही है, आपका आपका मुंह तो हिल रहा है पर आवाज नहीं आ रही यहाँ तक सर, लीड निकाल दीजिए, लीड निकाल दीजिए मोबाइल से लीड निकाल दो, आप मोबाइल का माइक इस्तेमाल करो, हो जाएगी आवाज सर, एक मिनट में बोल, नहीं आ रही उनकी आवाज। इंजीनियर बोल सकता हूँ, इंजीनियर रोदास कुमार आ रहा है सर, इंजीनियर रोदास कुमार आ गया, आवाज आ गई आपकी, बोलिए सर। ये जाति का आप जो बात चल रहे थे आप बता रहे थे उसमें मेरे को तीन कारण समझ में आया, एक तो हमारा समाज लालची है, दूसरा में ब्रांड थोड़ा उसका कम है, तीसरा में पैसे से मजबूर है, यानी धन का कमी है, इसकी वजह से हमारे पीछे जाति लगता है। नहीं यहाँ पीछे लगने का और आगे लगने का बात नहीं हो रही है, यहाँ तो बात ये हो रही है कि कभी पीछे लगता है कभी नहीं लगता है, कभी आता है कभी जाता है, आपको ये बता रहे हैं आज कि ये परमानेंट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो आ गया, आपके पास पैसा हो जाएगा तो टाटा बिरला भी नमस्कार करने आएंगे, वो भी जाति बात भी पूछेंगे, हमारे जो अफसर बन जाते हैं जब शादी होती है तो कोई जाति नहीं पूछता, दूसरी जाति के लोग उनसे शादी कर जाते हैं, और जो गरीब होता है उसको बेचारे को अपना क्या बोलते हैं कुत्ता भी नहीं देता कोई, ये आपको आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे लोगों के दिमाग में ऐसा है कि जाति कभी जाति नहीं है, वो इस बात को चिंतन करें मनन करें कि हर मिनट में जाति 100 बार जाती है और 100 बार आती है, ये मौका ये सिर्फ अगर जब भी आपका कुछ छिनेगा जाति आ जाएगी, जब आपको कुछ मिलना होगा तो जाति वो पेश कर देते हैं जी। इंजीनियर बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर, इंजीनियर रोदास कुमार सर, इंजीनियर रोदास कुमार सर, पैसा में लाचार है, पैसा उसके पास कमी का वजह से वो नौकरी करता है, दो बात सुनता है शहरों में गांव में भी कोई इज्जत नहीं करता है, पैसा रहता तो सब इज्जत करता है, और दूसरी बात है अपना वही तो कह रहे हैं कि पैसा रहता है, पैसा रहता है या पावर रहती है या जमीन रहती है या पोस्ट रहती है या विदेश में रहता है, वहां कोई नहीं पूछता वहां जी सर, बस ये इसलिए तो आपको बता रहे हैं कि ये आती जाती रहती है जी। संगम नवामी सभी साथियों को, संगम नवामी, संगम नवामी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज छिड़ा है और बड़ी खुशी है कि ये कभी कभी बीच में ऐसे पॉइंट आने चाहिए और ये बहुत ही
मतलब चिंता से जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति जो समर्ण है उसके जमीर से भी जुड़ा हुआ है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। मैं जब डिप्लोमा कर रहा था लखनऊ में तो सर वहाँ ऐसा हुआ कि मैं जब मकान लेने के लिए जाता था, और जैसा अभी एक आपने बताया कि जब देने का होता है, जब आप देते हो तो आपकी जाति वो खत्म हो जाती है। किराया जब मैं मकान ले रहा हूं तो किराया दूंगा और उसको पैसा आएगा। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब गया और बाकायदा मेरे को यस बोला गया, मकान बिल्कुल क्लियर साफ, हाँ मकान मिलेगा, आइए देखिए बिल्कुल फिट है अंकल जी, हमें पसंद आ गया, ठीक है बेटा कहाँ के रहने वाले हो? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है ना वही, एक ये मान लो एक तरीके बारूद है, मेरा नाम रोहदास कुमार। एकदम से बंदे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, रोहदास कुमार कहा और फट से ठीक है बेटा अलीगढ़ के हो ना? मैंने हाँ हाँ अलीगढ़ के हैं। ठीक है आप देख लो मैं आता हूं अभी। वो बंदा नीचे जाता था अंदर या कमरे में जाता था और बाहर निकल के मैं सीधी बात करता था कि अरे मुझे तो पता नहीं तुम्हारी आंटी जो कह रही है कि वो फलाना जो है भतीजा चाचा वो आ रहा है, उन्हें दे दिया कमरा जो है। मेरे को कभी भी, मुझे इतनी दिक्कतें हुई, मैं राजाजीपुरम इंदिरापुरम में इतना घूमा मैं ही जानता हूं। और उसके बाद में क्या हुआ मेरे साथ, मेरे समझ में आई कि यार मैं करूं क्या, मेरे पास ऑप्शन क्या है इसके लिए। फिर मैंने कहा कि यार तुम एक, मैं एक साथी था मेरे अलीगढ़ का ही, मैंने कहा यार मैं बहुत परेशान हूं, मैं नाम लेता हूं साला मेरे को कोई किराया मकान नहीं दे रहा। तो बोले, तो वो कह रहे तुम एक काम करो तुम जाति बताते हो? मैंने हाँ जाति तो बाद में यार कहीं कहीं तो जाति तक नंबर आता है, वो तो नाम से ही मैंने कर देते हैं। तो बोले तुम एक काम करो जहां जाति पूछे वहां तुम वाह हटा दो, जैसे जाटव बोलते थे तो मैं वाह को बहुत धीरे से बोलता था और जाट को थोड़ा तेज बोलता था। एक बार ऐसे ही फंस गया एक केस मेरा, उस बंदे ने, मैंने वाह बोला तो था पर उसका समझ में नहीं आया, मैंने हल्के से बोला और उसने मुझे जाट समझा। मैं एक साल रहा साहब उस कमरे में, है ना, और एक साल जाकर के मैंने उसमें काटा। उसके बाद मेरे अंदर ये जो आग थी ये बहुत तेज थी। और जेवी पंत पॉलिटेक्निक जो है लखनऊ का, हमारे बहुत साथी लखनऊ के हैं यहाँ भी शामिल, जेवी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ का एक ऐसा पॉलिटेक्निक है जहाँ 70% SC वहां से जो है डिप्लोमा लेता है, 30% में, 30% के अंदर OBC भी है 15%, 15% जनरल वहां से डिप्लोमा, एक इंजीनियरिंग की डिग्री एक डिप्लोमा लेकर के आता है। ये आग मेरी बड़ी, वहां पर दो छात्रावास है, अंबेडकर छात्रावास और सिद्धार्थ छात्रावास, दोनों की 125 125 की कैपेसिटी है और दोनों के ताले लगे हुए थे। मैं आपको बताऊं दोनों के ताले लगे हुए थे। खैर उस समय कुछ लोगों को इकट्ठा किया और बहन जी की सरकार आ गई थी पहली बार, और बहन जी के पास हम गए समाज कल्याण विभाग में, वहां जाकर के बहन जी से डायरेक्ट, फूलचंद डिप्टी डायरेक्टर होते थे उनसे हम मिले, उन्होंने हमको बहन जी तक पहुंचाया और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे दोनों छात्रावास का ताला तोड़ने के लिए हम निर्देश हुआ कि आप ताला तोड़ो हम हैं आपके पीछे। बाकी जो हमारे KSP के लोग थे उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि आपके पीछे हमें, आप करो जो करना है आपको। हमने अपने हाथ से ताला तोड़ा हॉस्टल वार्डन को बिना पूछे और हम उसमें प्रवेश किए। बाद में वो अच्छा खासा पैसा भी हमने बहन जी से मंजूर कराया। बात ये आती है कि ये तो रही बात उसकी, मतलब अच्छा कॉलेज वो बना उस समय, बहन जी ने बहुत अच्छा उसको कॉलेज बनाया, बाबा साहब की मूर्ति ऐसे खुले में लगी थी, हमने वहां पर भी बहुत अच्छी उसका जो छतरी बतरी और पूरा चबूतरा वबूतरा वो सब फिट कराया बढ़िया से, वो सब हुआ। अब यहाँ जो मेन जो चीज है, जैसे मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि नाम के पीछे या तो चमार लगा लेंगे या जाटब लगा लेंगे, ये भी है ना, ये भी एक हम कर क्या रहे हैं, हमारे, हमें थोड़ा सा इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम जो 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 शब्द हमें वमन ने दिया है हम तो उसे ही ढोने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं जाति का विनाश होना चाहिए, जाति मुक्त भारत होना चाहिए, भैया कैसे हो जाएगा? अपने नाम के पीछे आप जाटो लगाते हो, अपने नाम के पीछे आप चमार लगाते हो, कैसे हो जाएगा? हम कह रहे हैं टाइटल खत्म कर दो, काम खत्म हो जाए। ए चोर है मारो, चोर की माया ना मारो, ठीक है ना, चोरी नहीं पैदा होगा। उस पर भी
उस पर भी हमें जोर देना चाहिए। नहीं नहीं, बिना टाइटल, बिना टाइटल लगाए इसीलिए, बिना टाइटल लगाए आप नहीं हो सकते। मेरा नाम मैं इसमें एक मिनट दे सकता हूं क्या? मेरे नाम में टाइटल नहीं है, फिर भी जो है पहले बात खत्म हो जाना दीजिए। हैंड्रेज वाइज ले जाएंगे, हैंड्रेज वाइज ऐसे नहीं। देखिए 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 देखिए, आपको जो है बाकी सब लोग शांत रहिए, एक ही को बोलने दीजिए। मुझे मुझे पता है सर, माइक बंद हो गया आपका, माइक बंद हो गया। रोदास कुमार जी आपकी बात खत्म हो गई? हाँ, मेरा मतलब सिर्फ यही है कि जो सब हमें दिया हुआ है उस पर गर्व क्यों कर रहे हैं हम? सुधीर सर ने जो चर्चा शुरू की थी उसी विषय पर रही है, क्योंकि यहाँ टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि पूरी रात्रि एक एक आदमी बोलेगा तो बदल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, टॉपिक पर ही रहे तो ज्यादा सर सुन पाएंगे। एक बात ध्यान रखो कि दर्द से सबके दिल भरे हुए हैं सर, पर इलाज किसी के पास नहीं है। कारण क्या है कि जिसको इलाज ढूंढ रहे हैं वो दर्द की गोली तो है पर कारण की गोली नहीं है। जो कारण है, जो पच है यानी जो प्रत्यय है, उसको कारण को कोई जाना नहीं। हमारे लोगों ने नाम बदलकर, जगह बदलकर, झूठ बोलकर, इधर से उधर से कोशिश की, पर अगर संघ बना लिया होता तो ये करोड़ों मकान हमारे हैं, तो संघ के थ्रू पता चल जाता कि हमारे यहाँ BS आजाद जी का मकान खाली है, या गीता गोरिया बहन जी का मकान खाली है, या वहां हमारा कौन आदमी है, किसका मकान है, तो हमें उनके मकानों में जाने की आवश्यकता नहीं। एक तो हमारा पैसा गया और ऊपर से बेइज्जती करा रहे हैं। बराबर। तो अगर संघ होए हमारे पास, जैसे आज के समय हमारे पास में संघ है, अब मान लो बड़ौदा के अंदर हमारे बच्चे को मकान चाहिए, तो बड़ौदा में हमारे 500 आदमी है, गुजरात में हमारे 1000 आदमी है, और इसके अलावा खाली ये तो संघ है, संघ में सारे ही आते हैं, चाहे वो बामसेफ है, चाहे वो बामसेफ की ऑफशूट विंग है, चाहे वो और अम्बेडकराइट लोग हैं, पर ये इकट्ठे हों, एक साथ एक दूसरे को जाने पहचाने, यही संघ कर रहा है। पर इसमें नेता घुस गए हैं, वो जो नेता है 29 लाख संगठनों के, वो हमारा परिचय नहीं करने दे रहे हैं आपस में। हाँ, हमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए इस पे ये काम चल रहा है। इसका ये भी फायदा है, आज की चर्चा इसलिए है कि हम इसे 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, बशर्ते कि हम एक दूसरे को जाने। और अगला नंबर है राधेश्याम मीना सर, दो मिनट में अपनी बात को रखें, दो मिनट में तो थोड़ा सबकी बात आ जाए। ये क्या बोलते हैं JP अम्बेडकर सर, और क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं अपने BS आजाद सर, जरा चलाओ इसको। हाँ सर, मेरा अनुरोध सभी साथियों से ये है कि जो भी बात को रखें 2 मिनट के अंदर अपनी बात को बाइंडिंग करें, क्योंकि काफी साथियों के हैंड रेज है। टॉपिक पर ही रहे कि जाति आती कैसे है और जाति कैसे है, या बस ऐसा अनुभव या ऐसा कोई है ना, वो उसी पर रहे। जी जी, बताते रहे जाति को बाहर फेंकते रहे आगे से कभी। सभी को संगम मामी सर, ये जाति का टॉपिक तो बड़ा खतरनाक है, जो इसी की वजह से आप आज इतने पिछड़े पड़े हैं। सर ये छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगी, 2-3 ने, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जैसे हम महिलाएं हैं सर, जैसे गीतों में जाते हैं ना सर, किसी की भी शादी होती है तो वो बांध बैठते हैं, तो वो धागा बांधते हैं, सतलगी बोलते हैं उसे, 7 महिलाओं के, तो जब धागा बांधते हैं ना तो उन्हीं अपने ही उन्हीं को बांधेंगे जिससे वो है, जबकि अपने जो लोग है वो उनको ढूंढेंगे, वो उन औरतों के बांधेंगे, वो हमारी औरतों को प्रायोरिटी नहीं देते, तो वहां भी जाति आ जाती है सर। और कीर्तन होता है या जागरण होता है तो वो स्टेज पे ना उन्हीं की औरतों की महिमा करते हैं, क्योंकि वो सदस्यता करती है, वहां भी जाति आ जाती है। हमारे लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करके देते हैं और वो कलश यात्रा में हिस्सा लेते हैं औरतें। और सर स्कूल में जाते हैं ना जैसे एडमिशन के लिए, तो उस समय हमारी जाति नहीं पूछ जाती, लेकिन जैसे हम जाते हैं BPL का 134A के तहत, जैसे 25% BPL का यानी कि अपने उनको रिजर्वेशन मिलती है, तो उसमें सर जाति आ जाती है, कहते हैं कि नहीं जी हमारी तो सीट फुल है, जबकि सीट खाली पड़ी रहती है। वो कहते हैं कि नहीं हम अगर ये इसको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी तो जी बिल्कुल खाली पड़ी रहती है सीट, जबकि वो एडमिशन नहीं देते, वहां सीट आ जाती जाती।
ऊपर से जब भी हम कहीं रक्तदान लगाते हैं, शिविर लगाते हैं कैंप पे, उसका डोनेशन का, ब्लड डोनेशन का, तो वहां जाती नहीं आती। वहां कोई भी किसी का भी खून चढ़ाता है, डॉक्टरों को पता है यहाँ पे काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। लेकिन अगर हम उसी हॉस्पिटल में अपना बच्चों का किसी का भी इलाज कराने जाते हैं या किसी को खून की जरूरत होती है तो वहां पे जाती आ जाती है। फिर हमें खून भी नहीं मिलता, उनको पता चलते आता है कि किस कम्युनिटी से है, इनको कितने वैल्यू करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और तो और लाइन में लगा के रखते हैं। ये है सर, ये यहाँ पे जाती आती। कई बार मैंने खुद अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, कईयों के साथ मैं जाती हूँ, एडमिशन के लिए भी कईयों का मैंने एडमिशन कराया है, और कई इनके साथ गई हूँ मैं, वर्करों के साथ भी, वैसे भी हॉस्पिटल में भी, तो वहां पर इतना बुरा हाल, अगर कोई अपना स्टाफ का जानकार है तो काम हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू सर, आप सबने बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुधाए, नमो बुधा जय सर। हाँ सर, जसवीर सिंह बात कर रहा हूँ सर, जगाधरी से, यमुनानगर से। जसवीर सिंह सर, चरण सिंह सर, चरण सिंह सर, हेलो सर, एक मिनट रुकिए, क्रम से बुला रहे हैं सबको जी। चरण सिंह सर, संगंग नमामि, संगंग नमामि, संगंग नमामि सर। तो मैं क्योंकि टाइम दो दो मिनट का दिया, उसी हिसाब से मैं थोड़ा, मेरे को जाति के बारे में करीब 12-13 साल की उम्र रही होगी तब पता लगा, और पता लगते ही मुझे ये पता लगा कि अभी नीच होते हैं, तो बहुत झटका लगा दिमाग, और पढ़ाई पर भी दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत दुष्प्रभाव पड़ा उस चीज का, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आया। लेकिन बाद में बाबा साहब का कहीं एक वाक्य पल्ले पड़ गया, जिसमें ये था कि मुझे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे इस चीज की चिंता नहीं है कि दूसरे लोग मेरे को नीच समझते हैं, बल्कि चिंता मेरे को, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अपने लोग ही अपने आप को नीच समझते हैं। तो उस चीज को मैंने लेकर के फिर अपना मनोबल तैयार किया, और मुझे बहुत काफी साहस मिला कि मेरे बाबा साहब ने जो उत्पीड़न सहा होगा तो उससे हमें सबक लेना चाहिए। एक बात, आजकल के हिसाब में जो तर्कवाद है उसमें हमको मजबूत होना चाहिए हर तरह से, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे है, जो निकलता है कोई कहता है मेरे को राम राम, तो मैं कहता भैया मैं हत्यारे को भगवान नहीं मानता। कह रहे क्या राम हत्यारा, मतलब मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया को उनके अनुयायी दिखाते हैं, तो मैं उस हत्यारे को भगवान कैसे मान लूं, और भगवान है तो हत्या करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का एक बात शुरू करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक मैं बठिंडे में रहा हूँ, मैं गुरु महाराज की मेहरबानी से, संत रविदास जी की मेहरबानी से, एक मुहिम से वो जातिवाद काफी ध्वस्त हुआ और चूने हिल गई थी, इसीलिए पंजाब में जातिवाद दूसरे राज्यों से बहुत कम है। और एक बार वो डीसी साहब थे बठिंडे के, सुच्चाराम लद्दड़, उनसे एक बार बातचीत करने का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा, मकई सर जी आपने नाम के साथ लद्दड़ जुड़ा हुआ, तो लद्दड़ तो वो कहते हैं कि भाई जो नलायक हो, बुद्धू हो, जो निकम्मा हो, उसको कहते हैं लद्दड़, आपने ऐसा क्यों जोड़ा। तो उन्होंने यही कहा था कि नाम में गलत नहीं होता, हमारी सोच गलत होती है, हम उसको गलत मान लेते हैं। तो उस चीज से मेरे को काफी राहत मिली, और ये हकीकत है जो लोग शब्दों पर जाते हैं, पहले अब हमारी जातियां भी जैसे पहले अछूत कहते थे, फिर अनुसूचित जाति, फिर दलित कहने लगे, फिर कुछ और कहने लगे, तो उससे दूसरों की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते, हमें अपनी मानसिकता को बदलने के लिए हमें अपने आप को संयम से काम लेकर के
आगे बढ़ना पड़ेगा, और जैसे कि समर संघ से जुड़ा और संयम का कंसेप्ट भी है कि हम सब समण हैं। चरण सिंह सर क्या आगे बढ़ना है? चरण सिंह सर, लद्दड़ का माने पाली के अंदर होता है आकर्षक और बहुत हैंडसम, और बहुत बढ़िया होता है। लद्दड़ का मतलब, लद्दड़ का लद्धड़? मतलब पाली में होता है बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत। हाँ वो देखो आज के कंसेप्ट, हाँ सर जी आपके आज के कंसेप्ट में तो क्लियर हो गया, लेकिन उस टाइम मैं आपको लद्दड़ का मतलब बता रहा हूँ। दूसरा एक चीज और बताऊंगा आपको, पंजाब से जातिवाद गया नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे ही वहां ये डिक्लेयर हुआ कि मुख्यमंत्री इस जाति का बनेगा, सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए, पार्टी वार्टी सब भूल गए, सब जो जीता हुआ कैंडिडेट था और जो जीती हुई पार्टी थी वो भी हार गई। ये आप ना थोड़ा सा इसको बड़े रूप में देखो कि ये जो कैसे काम चलता है कैसे नहीं चलता है। इसलिए जब कुछ मिलना होता है तो जाति आ जाती है, और जब उससे काम निकालना होता था तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उसकी उसकी अच्छाई लेनी थी और वहां एक माहौल बनाना था। ये चीजें चलती हैं, इसको आंख खोल के देखोगे तो समझ में आएगा आपको। सर जी मेरा कहने का इसमें है कि वहां पर जो अछूतपन है वो कम है, जातिवाद तो ज्यादा है। हाँ ऐसा नहीं है, वहां बहुत है, वहां उनके पास वहां कई हिस्सों में तोड़ रखा है। वहां वाल्मीकि है, वहां मजहबी है, वहां रविदासी है, वहां अलग अलग तरह के है, चार पांच हिस्सों में तोड़ रखा है, और वहां डेरे बाल बहुत है, और उनकी वहां कोई कुछ नहीं, वो वहां सेवादारी है। वो दो 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 जून के रोड उस पर क्या बोलते, जो वहाँ लंगर होता है उस लंगर के उस पर पूरा दिन काम करते हैं वहाँ, और ना उनके पास वहाँ राज्य है, ना सल्तनत है, ना वो वहाँ अफसर हैं। जो अफसर हैं वहाँ वो रिजर्वेशन की वैसे हैं, और वो वहाँ लेबर हैं, उनके पास खेत भी नहीं है। आप कहाँ की बात कर रहे हो सर? पंजाब में 30-35% होते हुए भी मामला खराब है वहाँ। वहाँ बेसिक पिटाई नहीं होती, पिटाई वाला काम नहीं है, पर स्थिति वहाँ पर उनसे सब कुछ लिया जा चुका है, वहाँ कुछ नहीं उनके पास। सर जी मैंने सर जहाँ पर हम काम करते थे आपसे, जय भीम नमो बुद्धाय सर, जय भीम जय भीम सर, जय भीम नमो बुद्धाय, आप सबसे मिल जुल बहुत अच्छा। एक दफा का अपना मैं बताता हूँ, एक मिनट समुदयाल जी, राजकिशोर जी बोल रहे हैं। जी सर, जहाँ पे हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे पानी का जो बकेट रखा था, पानी पीने वाला जग था बड़ा वाला, उसमें पानी रखा था, तो वहाँ से हमने उसमें से पानी निकाल के पी रहे थे। एक दुकानदार था हमारे पड़ोसी में रहते हैं, तो बोला था देखो देखो चमर पानी पी रहा, पानी छुआ गया पानी। हम उसको बोले कि आपके मुंह में जो हाथ दिया है ना पहले, वो किसी चमारीन का ही होगा, वही आपके मुंह में हाथ दिया होगा, उसी से आपका अभी जवान निकल रहा है। हमको उस तरीके से उसको जवाब दे के उसको शांत करा दिए। और कोई बोलता रहता है कि चमार है नीच है ऊंच है, हम बोलते चमार स्वाभिमानी है, चमार कभी भीख नहीं मांगता है। और चमार मतलब जो है वो सबसे बड़ा जो है मतलब ढोल बजाने वाला होता था, म्यूजिशियन होता था, लेकिन उसको नीचे तबके में लाकर रख दिया। देखिए ये अछूत है, ये ढोल बजाते हैं, लेकिन ये मिट्टी का काम करते थे। जैसे किसी जानवर को खाल निकालना, उसको बनाना बहुत कला का, बहुत मेहनत का काम होता था। राजकिशोर जी, जी गंदी चीजों में अच्छाई नहीं ढूंढा करते, चमड़े का जी? काम आज के समय गंदा है, उसमें अच्छाई नहीं ढूंढते। गंदगी में अच्छाई ढूंढोगे तो वो कहेंगे हर काम बहुत बढ़िया है और हर काम बड़ा होता है, उन्होंने ऐसा ही कहा है। गंदा काम तो गंदा ही होता है, बाबा साहब ने साफ कहा है गंदे काम छोड़ दें। पर एक बात आप ध्यान रखना, ये जो चमार शब्द है ये 300-400 साल पुराना है, उससे पहले कहीं नहीं मिलता, और उससे पहले कहीं कोई प्रताड़ना नहीं है, उससे पहले कहीं कुछ नहीं है। पर वो तब की कहानी है जब संघ था, ये ध्यान रखना। आज संघ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जातियां खत्म होती जाएंगी। आप सिर्फ समण बताना शुरू कर दो कि हम समण है, पुराने समण है, आपके मन से जाति खत्म हो जाएगी। आप अभी एक्सेप्ट कर लो कि आप समण हो और सामने वाले को बताओ समण, काम खत्म हो जाएगा। ये संघ की ताकत होती है, ये संघ टूटने की वजह से दिक्कत हो रही है। संघ के ये जो 6743 जातियों में हम टूटे हुए ना, ये संघ टूटा है बेसिकली, जातियां बनी नहीं है। इनको संघ में जब समण हम दोबारा से हो जाएंगे, तो फिर आप सब यहाँ कन्याकुमारी से लेके और जब हिमाचल प्रदेश तक और वहां जम्मू कश्मीर तक आप सारे समण हो जाओगे, तो जाति तो जान बचा के भाग जाएगी, वो रहेगी कहाँ यहाँ। जी जी
सर वो टाइटल जो था ना नाम क्या आ गया, वो टाइटल को मैंने हटा दिया। अच्छा, टाइटल टाइटल जो रहता है नाम क्या आ गया, वो तो टाइटल को मैंने हटा दिया। समण लिखना है बस, समण और वमण दो ही हैं। जब ताकतवर जो लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, यदि वो अपनी जाति के अपनी जाति लिखने लग जाएंगे तो जाति खत्म हो जाएगी। ताकतवर आदमी, धनी आदमी, जो सबल है, समर्थ है, उनको तो अपनी जाति लिखनी चाहिए ताकि उसकी जाति। चौहान साहब, आपके दिमाग में ये बात है कि ताकतवर जाति लिखे, ये ताकतवर जो आईएएस हैं और आईपीएस हैं और जो मिनिस्टर बने हैं, अभी इससे ज्यादा ताकतवर कुछ और चाहिए क्या आपको? तो वो लिखे ना, इन सबके पीछे लिखा हुआ तो है, बताओ कौन से के पीछे नहीं लिखा हुआ है? ये सब अपनी जाति लेके घूम रहे हैं, कोई मेघवाल लेके घूम रहा है, कोई जाटा साहब लेके घूम रहा है, कोई घूम रहा है, वो छुप के बैठे हुए हैं, नहीं खुल के हैं। कोई भी मंत्री बिना जात का नहीं है। क्या बात कर रहे हो, मंत्री तो बनाए जात के ऊपर जाते हैं। नहीं बनाए जाते, लेकिन वो दिखाता नहीं, प्रचार करते हैं। आपको सबको पता है, वो उनको भेजा जाता है आपके बीच में कि आप वहां जाके मीटिंग करो, अपने समाज में जाओ, अपनी जाति में जाओ। वो स्पेशल तो जाति का खुला खेल। डॉक्टर साहब, हमारा ट्रांसफर बाद में होता है सर्विस बुक को, और उससे जो है ना पहले ही पहुंचाती है हमारी खबर। लेकिन हम ये सोचते हैं कि किसी को नहीं पता है, हमें, हमारे अलावा किसी को नहीं पता, हम ऐसा सोचते हैं। अरे सर, आपके आपको दरअसल क्या है, आपको एक जिद हो गई है कि मैंने अगर 20 साल से चमाल लिखा है तो पूरी दुनिया लिखे। आप ना, आपसे पहले मैंने ताकतवर ताकतवर लोगों के लिए कहा है। नहीं, मैं ताकतवर काशीराम जी कहते थे, मैं काशीराम जी कहते थे मैं किसी बड़े ब्राह्मण का बेटा नहीं हूँ, मैं चमार का बेटा हूँ। लाखों की रैली में कहते थे। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, आज ये चर्चा कहां से कहां पहुंच गई, और चर्चा तो एक सार्थक रूप में होनी थी, लेकिन ये इसका दिशा ही बदलती जा रही है। असल में क्या है कि यहाँ इस तरह के सुझाव आने लगे कि जाति कैसे खत्म हो। जाति खत्म होने का सिर्फ एकमात्र साधन है कि हम अपनी पहचान स्थापित कर दें। मैं एक उदाहरण देता हूं, जो विरोधी वमणों का संघ है, उन लोगों ने पिछले 100 साल में एक ही बात को स्थापित किया है, और जो शब्द था ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, एक हिंदू शब्द को उन्होंने स्थापित किया, और उन्होंने ये नारा लगाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, केवल सिर्फ हिंदू के रूप में इकट्ठा किया, और आज वो संघ कितना शक्तिशाली है। इसी प्रकार यदि हम केवल और केवल कुछ भी सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ समण को स्थापित कर लें, हम समण शब्द को स्थापित कर लें, अगर आप 10 दिन में समण शब्द को स्थापित कर लें, 10 दिन के अंदर जाति खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम समण शब्द को स्थापित करें, लिखेंगे दो समण लिखेंगे, कहीं इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया पर, या जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सब के बारे में जब भी बात करेंगे, हम उनके नाम के साथ समण लगाएंगे, समण ज्योतिबा फूले, समण बाबा साहब, समण रविदास जी, या समण जितने भी हमारे महापुरुष हैं, यदि उनको समण के रूप में स्थापित कर देंगे तो ये जाति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो वमण लोग हैं, जो जाति आपसे बार बार पूछते हैं, उनको अपना जवाब देना भारी पड़ जाएगा। यदि आप उल्टा पूछेंगे कि आप तो समण हैं, आप बताइए आप कौन हैं, आप अपनी पहचान बताइए, क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग जाति हैं। आपकी बात को और बड़ी कर देता हूँ आगे। जितने भी हमारे ज्ञानी हैं, इनका ज्ञान अधूरा है, इनको ये नहीं पता कि वमणों ने अपनी जाति नहीं बनाई, और ना उनकी जाति के नाम से कोई उनको जिक्र होता है, उनका जिक्र वमण के नाम से होता है। वो सारे वमण हैं, उनकी कोई जाति नहीं चलती। उन्होंने जातियां सिर्फ इन मूर्खों के लिए दी हुई है, जिसको ये ढो रहे हैं और जिसको सर पर लेके घूमते रहते हैं, छाती पर चिपकाते हैं बस। इसलिए ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि आप पुराने समण थे, और समण पे अगर चिपक जाओगे तो आप जीत जाओगे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जिसका संघ होता है उसकी कोई बुराई नहीं करता, उसमें कोई बुराई होती नहीं, संघ वालों में कोई बुराई नहीं होती, उनकी बुराइयां भी शौक हो जाती हैं। वो अगर शराब पीते तो शौक हो जाती है, वो मांस खाते हैं तो उनका जीवन क्या देवता जैसा हो जाता है, वो पाप करते हैं तो वो छम्मे होता है, गंगा में डुबकी लगाई छम्मे हो जाता है, उनको हत्या करने के अधिकार मिल जाते हैं। ये संघ की ताकत है, संघ जिसके पास होता है वो हत्या भी करता है तो भी छम्मे होता है। इसलिए संघ बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार कहते हैं कि भाई छोटी मोटी चीजों से निकलो, संघ बनाओ अगर ताकतवर बननी है तो। ले लीजिए आगे के हैंड रेज लीजिए, आज तो रात के 12 बजेंगे सर। हैंड रेज ज्यादा है, आए सर आगे। संबुदयाल सर,
जय भीम नमो बुद्धाय सर, संगम नमामि। बोले सर, बोले सर। एक दफा मैं जॉब के लिए एक ब्राह्मण के घर पे गया, तो क्या हुआ उन्होंने सर, बीच में सर एक मिनट लूंगा, एक सेकंड लूंगा मैं आपको। ये सब जो ना, सब लोग अपनी अपनी कहानी ना बताएं, केवल जो पॉइंट है उस पॉइंट पे बात करें सर। केवल उसको कैसे खत्म किया जाए और उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, बस। तो वो ये सर, सोल्यूशन तो सर एक ही है, सोल्यूशन तो ये बता दिया। सवाल जो चर्चा है वो इस पर है कि जाति आती कैसे है और जाति कैसे है। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप हमें केवल आती है और कब जाती है, मैं बताना चाह रहा हूँ सर, जाति कैसे आती है, कैसे जाती है। हम सब लोग अपनी कहानी बता रहे हैं। एक मिनट सर सुन लेते हैं सर, बताइए, बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग अपनी कहानी बता रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पता है कि हमारे समाज के साथ सबके साथ एक ही व्यवहार होता है, चाहे यहाँ दिल्ली में हो या बिहार में हो, पंजाब में हो, किसी में भी हो। और हम एक वो चीज है जिसको, जो हमें देख के हर आदमी उसको जलता है। हमें वो रास्ता ढूंढना है। हमारे खत्म करने से जाति से कुछ नहीं हो रहा। जाति भाई साहब बताने दीजिए, अगर 2 मिनट का समय मिला है तो वो कुछ भी बताए, 2 मिनट आप बोलने दीजिए। आप कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। नेत्रपाल जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जाति हमारे खत्म करने से देखिए नहीं होगी। जाति जब वो उन लोगों को इस बात का जवाब मिलेगा, हम यूनाइट होकर अपना जवाब देंगे। जो हमें जाति से वो करते हैं, सूचित वो अपना वो देते हैं, तभी हम वहां पे उनका सामना कर सकते हैं। हम केवल यूनाइट होके अपना, चाहे हम कुछ भी बदल लें, जब तक हम वो धर्म की बात नहीं करेंगे, हम धर्म के एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, तब तक हमारी जाति बनी रहेगी और हम इस जाति के शिकार होते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ऐसा है, अगर मेरे को आपसे काम है, समुदयाल जी बोलिए, अपनी बात रखिए। तो सर मैं वहाँ पे जॉब के लिए गया, तो उन्होंने मेरे को देख के कहा कि आप डागर हो, मगर नहीं सर मैं जाटव हूँ। तो कहने लगा जाटव क्या होता है, तो मैंने कहा सर पहले मेरे को मालूम नहीं था, तो मैंने कहा सर हरिजन। कह रहा हरिजन क्या होता है, मैंने कहा सर, फिर मैंने उसको और कुछ बताया, तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा नौकरी तो हो गई मेरी। तो मैं उससे कहने लगा जो पहले जानवरों की खाल तारते ना वो हूं मैं। तो मैंने कहा आप जानवरों की तो खाल तारना छोड़ दिया, आदमी इनके चालू कर दिया। तो जी अरे यार काट से मेरे को क्या लेना, ठीक है, उन्होंने मेरे को नौकरी पे रख लिया। एक महीने तक उन्होंने, मैं उनके काम किया, तो उन्होंने मेरे को पानी तक भी नहीं पिलाया, मगर चला कोई नहीं। तो एक दिन हुआ है कि मैडम कहने लगी दयाल मेरे साथ वहां पे चलो पटेल नगर। तो मैं वहां पे गया, तो उसने अपने घर से मैं 10 फुट दूर खड़ा कर दिया और मेरे से कहने लगी अभी आई मैं 10 मिनट में। मैंने कहा मैडम अगर टाइम हो तो मैं खाना खा लूं। कहने लगी बस मैं आ ही रही हूँ। 1 घंटे बाद आई, कह रही दयाल एक काम कर गाड़ी अंदर ले चलो। मैं अंदर ले गया तो वहां पे सामान पड़ा हुआ था, खाने का आटा था, नाच के थे और चीनी भी नहीं थी। कह रही ये गाड़ी में रख दो। मैं बोला मैडम मेरा काम नहीं है ये काम करने का, मेरा काम है सिर्फ गाड़ी चलाने का। तो कह रही आप तो नहीं चल पाओगे। कह रही कोई बात नहीं आज कर लो, आगे से हम नहीं बोलेंगे, मगर मेरे को करना ही नहीं। तो क्या हुआ रास्ते में वो अपने आप ठा के लेके आई, मैं नहीं ठा के लेके आया। तो कह रही हमारे ऐसे कोई नहीं करता जैसे आपने किया, मगर आप जैसा भी कोई नहीं करता, मगर आपके पास मैं 1 महीना रह गया हूं, आपने मेरे को चाय की तो दूर पानी तक भी नहीं पिलाया। तो कहने लगी मैंने भी नहीं पिया। तो मैं कहा मैडम मैं नहीं चल पाऊंगा आपके पास। तो उन्होंने साहब से कहा, तो साहब ने मेरे को थोड़ा दबाने की कोशिश करी पर मैं उससे दबा नहीं।
तो जात ये होती है कि आपको अगर काम है तो आप सब कुछ करवा सकते हो, थैंक यू। अगर काम नहीं है तब जात है। तो संगम नमामी सर, इस चर्चा का सबसे पहले जो तहसीलदार साहब ने अपना वक्तव्य दिया था उसका पूरी चर्चा का लबो लुआब सिर्फ वही था कि जरूरत पड़ने पर जाति खत्म हो जाती है और जब जरूरत नहीं रहती है तो जाति आ जाती है। तो अभी जसवीर सिंह सर बहुत ही कम शब्दों में मुख्य मुख्य बातें बताएं। जी बोलिए सर। हाँ सर, कोई बात नहीं करनी, सिर्फ कंसेप्ट के लिए सर, आज कंसेप्ट सुधीर राज सर का था ना सर, कि उसमें हम बिजनेस में क्या कर सकते हैं सर, तो उसी के लिए था सर। मेरे ब्रदर जुड़े हुए हैं, मैं एक तो उनसे इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, वो सोलर का काम करते हैं अपना, और सुधीर राज से सर से पूछना चाहूंगा कि हाँ कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। जगीर सिंह जगीर इंट्रोडक्शन कराइए। अब भी ऐसा जात सर, किसी का परिचय रह गया तो जरूर ले लें हैंडेज के साथ साथ, जिसका परिचय रह गया अपने आप बोल दें जो नहीं कर पाए हो पाए। जगीर सिंह। हाँ जी, हाँ जी, जय भीम जी। हाँ बोलिए जगीर सिंह जी। हाँ जी सर, हाँ बोलिए सर। हाँ जी, जय भीम जी। जय भीम सर जी। जी परिचय अपना, सर अपना। जी जगीर बात कर रहा हूँ, सूरज सोलर एजेंसी यमुनानगर से जी। मेरा जी गांव धनोरा जागीर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट करनाल का लास्ट गांव है ये। तो अपना पिछले पहले मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया था, उसके बाद मेरा वन ईयर का बीएचईएल में एमरफोर्स सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट था, तो उसके अंदर मैंने वन ईयर की ट्रेनिंग करी थी। उसका 2010 से मैं रेगुलर सोलर का ही काम कर रहा हूँ। सर ये ना हमारा अपना इनका अपना बिजनेस है, और ये सोलर पंप का या कोई अपना साथी ऐसा हो जिसके पास जमीन हो तो उनको अच्छी सब्सिडी के ऊपर सोलर पंप लगवा के दे सकते हैं सुधीर राज सर। ये परियार सर नंबर बोल दीजिए अपना। नंबर दीजिए जगीर सिंह सर। आजा सर जी सर, नोट कीजिए सर। दो चार दिन बाद ना जब आप जब बिजनेस का कार्यक्रम लगाओगे ना बिजनेस वाला, तो कल था सर वो बिजनेस एंड इंजीनियर्स वाला। हाँ तो बिजनेस वालों की डायरेक्टिव बनी शुरू हो जाएगी, तो बिजनेस का फायदा सबको होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी आप अखबार निकाले हो ना, अब अखबार जो डेटा न्यूज है जी, जी। तो उसमें इनके कॉलम डालो बिजनेस वालों के सबके, कि भाई ये बिजनेस के लिए यहाँ संपर्क करें, ये समर संघी है इस बिजनेस के लिए यहाँ संपर्क करें, समर संघी है तो वो सब लग जाएगा। जगीर सिंह सर नंबर अपना चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, और ये एक वेबसाइट है मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, यहाँ पर अपनी पूरी बिजनेस का डिटेल आप डाल दीजिए। एक बिजनेस डायरेक्टरी हम तैयार कर रहे हैं जी, यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल डाल दीजिए, जितने भी हमारे समर संगी भाई बहन होंगे जिनको जरूरत होगी वो वहां से आपका जो कॉन्टेक्ट लेकर और संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, और अपनी डिटेल बिजनेस की पूरी डिटेल भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। एक अभी समर संघ का एक अखबार शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह की सूचना ये लगा सकते हैं, उससे हमारे समर भाई बहनों को काफी फायदा हो सकता है। थैंक यू सर। और कोई नए साथी आए हैं आज जिनका परिचय नहीं हुआ हो? कोई ऐसे साथी हैं जो आज पहली बार आए हैं और परिचय नहीं हुआ हो? सर मैं बोलना चाहता हूँ। परिहार सर। सर सर वो उसके बारे में जैसे आप कह रहे थे ना कर्नाटक के बारे में, कोई है साथी अपने जुड़े हुए? अभी जुड़े नहीं है। अजय जलवाल सर से बाद में बात करेंगे, थोड़ी ये चर्चा खत्म होने के बाद। ठीक है सर। जय भीम नमो बुधाय संगम नमः। जय भीम सर जी। जय भीम जी। और कोई नए साथी हैं आज? सोलंकी सर आप पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं सर, जुड़ तो मैं काफी दिनों से रहा हूँ, पर मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। और कोई साथी हैंड रेज ले लेते हैं। एसके सर आए।
ये सोलंकी सर का परिचय हुआ क्या पहले कभी? नहीं सर पहले कभी। जी सर, संगम नमामि सभी को सर। एक मिनट सर, परिचय दे दे सर सोलंकी सर। सर मेरा नाम जयलाल है, गांव खेड़ा के मावती, तहसील स्पीदो, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से सर। जी सर। और सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी पढ़ ही रहा हूँ, पीएचडी की कर रहा हूँ तैयारी। कितने दिन से जुड़ रहे हैं सर यहाँ? सर मैं पिछले एक हफ्ते से जुड़ रहा हूँ सर। लिंक तो हरिओम सर ने दिया होगा या उन्होंने? नहीं सर, ये स्पिदो संगठन बना हुआ सर हमारा, स्पिदो संगठन बना हुआ, तो स्पिदो संगठन में ये लिंक डाला हुआ है, तो उसमें जगमाल जी डालते हैं सर। हाँ जगमाल जी, जगमाल भाग के डालते हैं। हाँ जयलाल, आपने कभी बताया नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं दिया। चलो आज दे दिया, आगे से जुड़ तो रहे, अच्छी बात है। नंबर अपना चैट बॉक्स पे डाल दीजिए जयलाल सर, नंबर चैट बॉक्स पे डाल दीजिए जयलाल सर। थोड़ा टाइम दे, पढ़ाई के साथ साथ अपना काम करते हो। जी सर। ठीक है सर, स्वागत है आपका समन संघ में, आपने इंट्रोडक्शन भी दिया, अच्छा किया आपने, और आज वैसे भी युवा विशेष है तो और अच्छा किया आपने। जी सर, संगम नमामि सभी को सर। सर इस जाति की जो दवाई है वो समन संगी है सर, बस सर। जी सर, बस सर मेरा तो इतना ही कहना है, बाकी तो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। इसके जो नियम है 10, वो जो है हर चीज का इलाज है, और उसमें जाति का भी इलाज है। संगम नमामि सभी को सर। संगम नमामि। राम प्रसाद नगीना, राम नगीना प्रसाद सर, राम नगीना प्रसाद सर, हरीश भगत सर। हाँ सर, नमो बुद्धाय सर। जय भीम सर। पहले तो हम किसी ने भी हमको पूछे जाति, तो हम तो सबसे पहले सर एक मानव है, हमारी जाति मानव है, और बाद में जो भी टाइटल लगे है उसको तो हमने बिल्कुल ही उसको ढोना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं ऐसा मेरा ऐसा खुद का मानना है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान इंसान हूँ कि जो जो दुनिया के इतने बड़े महापुरुष है, बुद्ध और बाबा साहब, उनका मैं अनुयायी हूँ और बुद्ध को मैं फॉलो करता हूँ, और बुद्ध के ज्ञान के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा ज्ञान हो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। श्री प्रकाश सर। नहीं एक मिनट जरा, हरीश भगत सर, हरीश भगत सर चले गए। जी सर, जी सर। श्री प्रकाश जरा एक मिनट को देखो, हरीश भगत सर, हमारे अधिकतर लोग ना जी अलग अलग जब कोई बात होती है जाति की आती है तो अलग अलग चीजें ढूंढते हैं, और जैसे आपने कहा कि जी हम तो सबसे पहले मानव हैं, मानव हमारी जाति है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। अच्छा मैं ये कहता हूं कि अभी मानव जाति छोड़ो, अभी हम ये कहते हैं जी ये जो जाति है, जैसे आपने मानव बताई, मानव जो कहते हैं कि ये सोनों से भरी हुई, सोने से भरी हुई, डायमंड से लिपटा हुआ, इसका नाम हमने दिया कोहनूर हीरा बोल दिया हमने, ये कोहनूर हीरा है नाम। अब कोहनूर हीरा तो सब ताज में लगाते हैं, पर ताज में लगाने का नाम अगर इसमें हम रखते हैं जो सोने में जड़ा हुआ हीरा है और ऐसा बोलते हैं, तो क्या जो इसके गुण हैं, जो इसकी प्रैक्टिस है, उसमें कोई बदलाव आता है? दरअसल कुछ लोगों ने जो जातियों के नाम संघ टूटने के बाद पड़े या उनके डाले गए या वो अपने आप बने, ये तो हिस्ट्री है, इसमें अगर जाएंगे तो कुछ के नाम पड़े हैं, कुछ अपने आप बने हैं, कुछ बनाए हैं, उन जातियों के नामों से परेशान आके लोगों ने अपने जाति के नाम या तो छुपाए या बदले, या कई बार कम्युनिटी ने पूरे पूरे नाम बदल दिए। जैसे इधर नॉर्थ के अंदर जो चमार हैं उन्होंने अपने आप को जाटअप कहना शुरू किया, और जो भंगी हैं जो सवाई काम करते थे उन्होंने अपने आप को वाल्मीकि कहना शुरू किया। पर क्या नाम बदलने से, जैसे जो कुछ यादव हैं जिनको अहिर बोलते हैं उन्होंने यादव कर लिया अपने आप को, यदुवंशी कर लिया, ऐसे ही मराठे के अंदर भी कुछ ना कुछ होंगे, हर जगह ऐसा ही है ड्रामा, क्योंकि साइकोलॉजी सब जगह एक चलती है। तो क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आया, क्या उनको कोई फर्क पड़ा, क्या उनको इज्जत मिली, क्या उनको पैसा मिला, क्या उनको मान सम्मान मिला, क्या उनको मौके मिले? आप अगर स्टडी करोगे
तो आप चाहे कुछ भी कह दो, दरअसल ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है कुछ लेने का और कुछ देने का। जाति वाति के नाम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है। जो आप कोई भी नाम बदलोगे वो आपका माल छीनेंगे छीनेंगे, आपका पैसा ले जाएंगे, आपकी आपकी औरतें ले जाएंगे, आपकी इज्जत ले जाएंगे, आपका सब कुछ ले जाएंगे। पर ये जब बचना शुरू हुआ हमारा, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संगठित किया और हमको इकट्ठा किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संघ भी बनाया, और जब भारत का गणराज्य संघ का संविधान बनाया और संघ की परिकल्पना बनी, तब बचना शुरू हुआ है। पूरा नहीं बच रहा है, अब ये फिर जाना शुरू हो गया। तो इसको आप चाहे मानव बताओ, चाहे कोहनूर और हीरा बताओ, चाहे डायमंड बताओ, चाहे कुछ बताओ या ना बताओ, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है आप अगर इकट्ठे हो जाओगे तो आप खूब कोई सा भी नाम चिल्लाना, आप लिखना हम गंदी नाली के कीड़े हैं और हम 85% हैं। ये गंदी नाली के कीड़े का ना लोग ताजमहल बना के उस पर लिखेंगे कि गंदी नाली के कीड़े कितने ग्रेट होते हैं, गंदी नाली कीड़े ऐसा वैसा। नाम में कुछ नहीं रखा, रखा है सब कुछ इकट्ठा होने में, और हमारा रुकना चाहिए और हमारा आना चाहिए वापिस, हमारा बढ़ना चाहिए। झगड़ा इसका है, नाम का नहीं है सर। जाति का फिनोमिना नाम पे काम नहीं करता, उसके लेने और देने पे काम करता। वही बात यहाँ पहले बताई थी कि जाति जब देना होता है, कुछ मिलना होता है, अधिकार मिलने होते तो जाति आ जाती है, और जब हमसे कुछ जाना होता है तो जाति नहीं आती। हमारी बहन बेटियों के जो बलात्कार होते हैं, अभी जीप से चाटते हैं वो उनकी खाल को अपनी जीप से, और जीप से चाट चाट के और काट काट के करते हैं, तब उनको नहीं दिखाई देता कि एक अनटचेबल है या क्या होता है, इसकी जाति छोटी है या बड़ी है, या ये महिला कौन सी है कौन सी है, उस समय नहीं दिखाई देता, उस समय जाति चली जाती है। पर वही लड़की जब न्याय मांगती है न्यायालय के अंदर, और जब वो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो उसकी जाति आ जाती है, फिर उसकी जाति दिखाई देती है। ये बड़े कड़वे चीजें हैं, मैं तो बहुत कम बताता हूँ आपको, पर आप ये दाएं बाएं घूमना बंद करो। अब तो एक ही चीज है बस, हमको इकट्ठा होना है। जाति पाति कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठे होने वाले लोगों की हर चीज बढ़िया हो जाती है, और बिखरे हुए जो लोग होते हैं उनकी हर चीज घटिया हो जाती है। ये फिलॉसफी है और ये नियम है जो प्रकृति का है, इस पर बढ़ना है आगे। जी सर, बहुत बहुत अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट ले ले सर, नेक्स्ट है। बहुत बहुत साधुवाद सुधीर दास। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shall we know the time?